ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 6 ग्रहों की युति, 7 ग्रहों की युति, 8 ग्रहों की युति और 9 ग्रहों की युति इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। तो मेरा आज का जो एनालिसिस है वो सभी लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, जब प्रलय आना होगा वो आएगा, उसके लिए कोई भी शक्ति, उस समय कोई भी इंसान या किसी भी तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको कोई रोक नहीं पाता है। मेरा एक छोटा सा रिसर्च है, इस रिसर्च को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और मैं कभी भी अपने वीडियो को ये नहीं कहता हूँ लाइक करने के लिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कि ये जो मेरा डेटा है इसमें कुछ घटनाएं अगर मिस हुई हैं तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी रिसर्च करने में थोड़ी सी सुविधा हो सके। क्योंकि मैं ये देश हित के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये विश्व के कल्याण के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हम बात करते हैं भारतवर्ष से ही स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, 1846 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 18 नवंबर 1946 को 6 ग्रहों की युति बनी हुई थी, जिसमें 5 प्लैनेट एक जगह पर थे। मैं डिस्प्ले में लगा दे रहा हूँ, 5 प्लैनेट एक घर में थे और 6वां प्लैनेट उसको देख रहा था। 6 ग्रहों की युति बनी थी और ये 18 नवंबर 1946 का डेट था। फिर से नोट कीजिएगा, 18 नवंबर 1946 का डेट था। तो यहाँ पर भारत में ये देखा जाए तो 18 नवंबर 1946 में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को जो आज़ादी मिली, हमारे देश को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ भारत, वहाँ पर भारत के लिए खुशखबरी आई थी सामने में। तो लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसमें बहुत लोगों की जो मौत हुई थी शिफ्टिंग के दौरान, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिव हुई थी। लेकिन वो उस समय जब आप कुंडली बनाइएगा तो उस समय वृष लगन की कुंडली भारतवर्ष की बनती है। जब भारत आज़ाद हुआ था हम ये कह सकते हैं, उस समय वृष लगन की कुंडली बनती है और वृष लगन का जो लग्नेश होता है वो शुक्र प्लैनेट होता है। तो यहाँ पर सारे प्लैनेट लगभग अस्त थे, मंगल भी अस्त था, मरकरी भी अस्त था और वीनस भी अस्त था। सारे प्लैनेट नहीं कहेंगे, 3 प्लैनेट यहाँ पर अस्त थे। देखिए, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, राहु केतु कभी अस्त नहीं माने जाते हैं, यह ज्योतिष में नियम लिखा हुआ है। तो केवल अस्त होने के लिए बाकी कितने प्लैनेट बच गए, 5 प्लैनेट, तो 6 प्लैनेट बच गए, 6 प्लैनेट अस्त हो सकते हैं, 3 प्लैनेट कभी भी अस्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो थे प्लैनेट अस्त हुए, लेकिन मेरा ये रिसर्च में सामने आप बात आया कि 18 नवंबर 1946 में जो घटनाएं हुई, जो जिस समय 6 ग्रहों की युति बनी थी, उस समय कोई विशेष ऐसा चीज सामने नहीं आया। हाँ, भारत के लिए ज़रूर ये बढ़िया हुआ था, भारत को आज़ादी मिली और यहाँ पर जो बंटवारे के समय जो लड़ाइयाँ हुई थी वो उसमें बहुत लोगों की मौत हुई और वहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक प्रकार से जो युद्ध का जो प्रारंभ कह सकते हैं 1947 में हुआ था, लेकिन फिर वही बात है, उस समय 6 ग्रहों की युति नहीं बनी थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन 6 ग्रहों की युति ही ये बनने के समय ये प्रलय आएगा? हाँ, 8 महीने 9 महीने के बाद ये ज़रूर हो सकता है, ये मैं अपने रिसर्च में पाया हूँ। मैक्सिमम 8 मंथ का टाइम लग जाएगा अगर ये कुछ निगेटिव चीज़ें होंगी। दूसरी घटना नोट कीजिएगा, 4 फरवरी 1962 यहाँ पर 9 के 9 प्लैनेट की युति बनी थी। मतलब पूरे ज्योतिष विज्ञान में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 9 के 9 प्लैनेट की युति थी, जिसमें 8 प्लैनेट एक ही घर में थे और 9वां जो प्लैनेट था वो बाहर था, क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट कभी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, तो राहु को छोड़ के सारे प्लैनेट एक जगह पर आ गए थे। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि सभी प्लैनेट अस्त हो गए थे, जो प्लैनेट अस्त होते हैं वो सारे प्लैनेट अस्त हो गए थे। और यहाँ पर 4 फरवरी 1962 को भी कुछ नहीं हुआ,
4 फरवरी 1962 को कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे, अगर आपको याद होगा, मेरा तो जन्म भी उस समय नहीं हुआ था, आप ही लोग बता सकते हैं, और मेरे से जो बड़े और बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे भी रिसर्च करने में आगे पता चले। तो 1962 में जब ये हुआ था, यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में ज़रूर एक युद्ध हुआ था, 20 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में ये हुआ था, लेकिन उस समय भी ये 6 प्लैनेट या 8 प्लैनेट या 7 प्लैनेट की युति नहीं बनी थी, 9 प्लैनेट की युति उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और ये 8 महीने पहले फिर स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि ये फरवरी से लेके फरवरी में इंडिकेशन आ गया था कि शायद ऐसी चीज़ें होंगी, और बाद में ये ऐसा हुआ। इसी तरीके से 18 नवंबर 1946 में ग्रहों की युति ज़रूर हुई और देश को आज़ादी मिला, और थोड़ा सा भारत पाकिस्तान, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध था लगभग इसी समय हुआ। फिर हम बात करते हैं 8 सितंबर, मतलब अभी तक रिसर्च में ये सामने आ रहा है कि ये जब भी प्लैनेट की युति, 6 प्लैनेट 7 प्लैनेट 8 प्लैनेट की युति होती है एक ही घर में अगर हो जाते हैं ये सभी, तो उस कंडीशन में ये इंडिकेशन केवल होता है कि शायद बुरा समय स्टार्ट होगा और वो युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो जहाँ तक हम थर्ड वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, शायद ये 25 या 26 दिसंबर को तो नहीं होगा, वहाँ से आप 8 मंथ जोड़ लीजिए, इसका मतलब है जुलाई, जून जुलाई के बीच का जो टाइमिंग होगा शायद हो सकता है वहाँ पर ये घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो अभी रिसर्च में सामने आ रहा है उसी बात को मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको कंक्लूजन देने से पहले कुछ और बातें, 8 सितंबर 1979 का डेट नोट कीजिएगा, 8 सितंबर 1979, इस समय भी जो प्लैनेट थे 6 प्लैनेट की युति बनी थी, इवन 7 प्लैनेट की युति बनी थी, 6 प्लैनेट एक घर में थे और 7वां प्लैनेट उसको देख रहा था, और इस समय मरकरी भी अस्त था, वीनस भी अस्त था और शनि भी अस्त थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो जहाँ तक मैंने नेट पे सर्च किया था 1979 के बीच, उसके एक साल के अंदर में कोई ऐसा मेजर युद्ध नहीं लड़ा गया, ऐसा कोई मेजर चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उसके 3 साल 4 साल के बाद की अगर आप घटना की बात करेंगे तो वो अभी कैलकुलेट नहीं किया जाए, क्योंकि एक साल में तो प्लैनेट की दशा ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, एक महीने के अंदर वो जो योग बनता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 6 प्लैनेट का जो योग है वो केवल एक युद्ध का संकेत दे रहा था पहले 2 एनालिसिस में, लेकिन तीसरे एनालिसिस में ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा कि क्या घटनाएं मिस हुई थी, जिससे कि मैं आगे और रिसर्च कर सकता हूं यहां पे। फिर बात करता हूं चौथी डेट, यानी 15 मई 2002, 15 मई 2002 की घटना, इस समय लगभग 6 प्लैनेट एक ही घर में थे और 7वां प्लैनेट उसको देख रहा था, यानी 7 प्लैनेट की युति थी और इसमें कोई भी प्लैनेट अस्त नहीं था। मज़ेदार बात है, इसमें सारे के सारे प्लैनेट अस्त नहीं थे, मतलब कोई भी प्लैनेट अस्त नहीं था, सारे प्लैनेट उदय थे, उनका कम्बशन नहीं हुआ था। तो लेकिन 15 मई 2002 में ये घटना हुई थी। अब 11 सितंबर 2001 में देखा जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था वो सितंबर में ही हो गया था, इसका मतलब मई से ठीक 7 महीने के पहले हो गया था, और भारत में जो पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 में हुआ था, ये भी ठीक 6 मंथ के पहले हुआ था। इसका मतलब जब ये ग्रहों की युति बन रही है, अगर कुछ प्लैनेट उसमें अस्त हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में 6 से 8 मंथ के बाद घटनाएं घटित होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, लेकिन 79 वाले केस में तो ऐसा नहीं हुआ। 2002 वाले केस में देखा जाए तो कोई भी प्लैनेट आपका अस्त नहीं थे, और बहुत सारे, जब कोई भी प्लैनेट अस्त नहीं होंगे और सभी एक दूसरे से कंजुगेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा विनाशकाल वाला समय उस समय ज़रूर था, इसीलिए शायद लोग 2000 में कह रहे थे कि प्रॉब्लम आएगा, और 1960 में भी ये सारे प्लैनेट उस समय अस्त हो गए थे, तो वहाँ पर भी लोग शायद विनाशकाल की बात पहले ही लोगों ने कह दिया था विनाशकाल होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये चीज़ें एग्जैक्टली उस डेट पर नहीं होगी, उस डेट से 6 मंथ आगे या 8 मंथ आगे या 5-6 महीने पहले हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं 26 दिसंबर 2019 की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके बारे में अपना बयान दिया है कि सप्तवर्गीय प्लैनेट की युति बन रही है। टोटली एग्री कि 6-7 प्लैनेट का यहाँ पर कंजुगेशन होने जा रहा है।
लेकिन इस समय भी चंद्रमा अस्त रहेगा, मरकरी अस्त रहेगा और जुपिटर अस्त रहेगा। और भारत का जो लगन बनता है वृष लगन बनता है, वृष लगन का लग्नेश जो है वो अस्त नहीं रहेगा। जबकि 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत का जो लग्नेश था वो खुद अस्त हो गया था, तो वहाँ पर युद्ध की संभावना बनी थी। और यहाँ पर जो भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ था उस समय भी लग्नेश हमारा अस्त था, वहाँ पर भी युद्ध हुआ। 1979 में अस्त था लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ। और 2002 में कोई भी प्लेनेट अस्त नहीं थे, तो वहाँ पर युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चाहे हम वहाँ पर गोधरा कांड की बात कर ले, चाहे पार्लियामेंट अटैक की बात कर ले, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर ले। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, 26 दिसंबर वाला जो डेट होगा उसमें हमारे देश का लग्नेश अस्त नहीं हो रहा है। और अगर हमारे देश का लग्नेश अस्त नहीं हो रहा है और साथ में अपने मित्र के घर में रहेंगे, तो यहाँ पर भारत के लिए तो बहुत कोई विशेष निगेटिव चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, दुनिया में निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि इन ग्रहों की युति के समय ऐसा नहीं होगा, और ये मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ उस समय नहीं होगा। ये अगर होना होगा तो इसके 6 से 8 मंथ के बाद ही होगा, जैसा मैं रिसर्च में देख पा रहा हूँ, उससे पहले ये नहीं होने वाला है। अगर अभी देखा जाए, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने अगर ये होना होता है तो अभी 5-6 मंथ पहले ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये 6 मंथ पहले नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। और निश्चित रूप से ये जो घटनाएं होंगी, ये जो प्रलय की बात की जा रही है या विश्व युद्ध की बात की जा रही है, शायद, मैं वर्ड शायद यूज़ कर रहा हूँ, शायद ये 6 से 8 मंथ के बाद ही दिखाई देगा, या ये मार्च से लेके सितंबर, मार्च से लेके जुलाई तक का जो टाइम होगा 2020 का, वो टाइम में शायद ये प्रॉब्लम होगा, और वो भी कैलकुलेशन में आ रहा है निकल के। और मेरे से अगर कोई डेट में मिस्टेक हुई हो तो आप एस्ट्रोलॉजर वर्ग या जिनके पास भी मोबाइल ऐप में आप तुरंत चेक करते हैं, आप चेक करके मुझे बताइए। और 1979 में कोई एक ऐसी घटना मुझे याद दिला दीजिए जहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे रिसर्च में सब कुछ सामने आ रहा है, 1979 वाली रिसर्च में कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जबकि वहाँ पर भी ऐसे ही योग बन रहे थे। तो ये था कि क्या 25-26 को रियली सबसे बड़ा भूकंप आएगा, क्या 25 तारीख को क्रिसमस पर होली मनाई जाएगी, या 25 तारीख को प्रलय आ जाएगा। ये सभी चीज़ का जो पूर्ण एनालिसिस मैंने किया है उसको आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग यहाँ पर भ्रमित ना रहें, क्योंकि भ्रमित आप रहिएगा, झूठ का डर अगर अंदर बैठा रहेगा तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा, लेकिन खतरा जो है वो कम से कम 6 से 8 मंथ के अंदर ही होगा।